हम में इतनी हिम्मत, इतनी ओडासिटी हो रही है कि हम गांधी जी जैसी शख्सियत को, जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग तक को इंस्पायर किया, जिसने नेल्सन मंडेला तक को इंस्पायर किया, उस पर्सनालिटी को हम लोग आज सरेआम गालियां दे रहे हैं। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। जब भी लाइव आती हूं तो हमेशा आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। आपको, आप लोगों का जिस प्रकार संपूर्ण सहयोग मिलता रहता है मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझ में और कॉन्फिडेंस आता है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है और मन करता है कि हम समाज के लिए कैसे कुछ और बेहतर करें। आज 30 जनवरी है, आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था। ये एक मेरा व्यक्तिगत मत है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप सब बौद्धिक जीव हैं और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हो सकता है कि आप इनसे सहमत ना हो, पर मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहती हूं, क्योंकि जितने भी लोग अभी मैं जानती हूं फेसबुक पे हैं, तो युवा बहुत कम होंगे। ये वो जनरेशन है जो जिन्होंने एक अच्छी खासी लाइफ देख ली है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया है। आप किसी की माँ हो सकते हैं, आप किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं। तो मैं जानती हूं मेरी इंस्टाग्राम की और फेसबुक की जनरेशन बहुत अलग अलग है। मैं आप लोगों से आपकी बेटी बनके, आपकी बहन बनके डिस्कस करना चाहती हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन में, चाहे वो युवा है, चाहे वो मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूं या मैं फेसबुक में मिडिल एज वर्ग से, जब मैं गांधी जी से रिलेटेड मैं आज देख रही हूं कि जो एक गांधी जी के जीवन के प्रति हम लोगों की सेंसिटिविटी है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। मैं इसको नंबर ऑफ पोस्ट लाइक से नहीं बात कर रही हूं कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर कितने लाइक्स आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 1000 आए, बट ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जनरेशन में गांधी जी के प्रति जो एक सेंसिटिविटी है, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट जो है ना, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। हम में इतनी हिम्मत, इतनी ओडासिटी हो रही है कि हम गांधी जी जैसी शख्सियत को, जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग तक को इंस्पायर किया, जिसने नेल्सन मंडेला तक को इंस्पायर किया, उस पर्सनालिटी को हम लोग आज सरेआम गालियां दे रहे हैं। उस पर्सनालिटी को आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर कुछ भी लिख देते हैं, गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। वो एक पब्लिक फिगर थे, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या योगदान है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और आप सबके बच्चे तो मेरे ख्याल से अब नौकरी कर गए हैं, सब कुछ लग गए हैं, वो गांधी जी के ही जीवन को पढ़कर ही वो आगे लगे हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि हम गांधी जी की पुण्यतिथि को खुलकर नहीं मना रहे हैं? ये चीज किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये एक व्यक्तिगत सवाल होना चाहिए कि हमें इतनी क्या बौद्धिक क्षमताएं आ गई हैं कि हम गांधी जी जैसी पर्सनालिटी के रोल को फ्रीडम स्ट्रगल में, गांधी जी ने आइडिया अहिंसा का दिया, नॉन वायलेंस का दिया, जिसका भारत आज, हमारी भारत की कोई भी पॉलिसी है, आप सबने सुना होगा, आज भारत जब दूसरे देशों के साथ मतलब कोऑर्डिनेट करता है, बात करता है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब है और कि भारत जो एक पीसफुल देश है। इनफैक्ट भारत की तो पॉलिसी ये है कि अगर हम कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दूसरे देश पर नहीं यूज करेंगे, अगर दूसरा देश भारत पर अटैक करेगा तब भारत अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव करेगा कि हम दूसरी बार में रिटेलिएट करेंगे। ये जो आइडियाज है ना, ये सब गांधी जी के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स है। ये आइडिया ऑफ अहिंसा कि नॉन वायलेंस, इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, जापान इज अ पीसफुल कंट्री, ये आइडिया सब गांधी जी के हैं। गांधी जी का आइडिया सत्याग्रह कि भाई सच बोलिए, ये प्रिंसिपल्स, ये फिलॉसफी क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते? गांधी जी जो करते थे वही सिखाते थे। मैं फटाफट आपको एक कहानी सुना देती हूं। एक माँ आती है अपने बेटे को मीठा खाने की बहुत आदत होती है, तो माँ गांधी जी के पास लेके जाती है और गांधी जी को बोलती है कि गांधी जी प्लीज मेरे बेटे को समझाएं कि मीठा मत खाएं, मीठे खाने से शुगर होती है। गांधी जी ने कहा कि माता जी आप एक महीने बाद आए। तो एक महीने बाद दोबारा गांधी जी के पास माता जी आती है और माता जी के सामने गांधी जी बेटे को बोलते हैं कि बेटा अब तुम मीठा खाना छोड़ दो। तो
औरत बड़ी बड़ी चकित होती है कि ये गांधी जी क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे गांधी जी आप ये बात सेम एक महीने पहले भी तो बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा जब मैं मीठा खा रहा हूं तो मैं इस बच्चे को मीठा खाना खाने के लिए न खाने के लिए कैसे मना कर सकता। तो जो काम मैं खुद नहीं कर रहा वो मैं दूसरों को प्रीच नहीं करता। द आइडिया ऑफ सर्वोदय कि सबका विकास होना चाहिए, क्या आज भारत सरकार की पॉलिसी में सरकारें जो भी आई हो मैटर नहीं करता, क्या इंडिया का कॉन्सेप्ट यही नहीं है? आज क्यों भारत सरकार इतना मुफ्त का राशन दे रही है, हर एक वर्ग को राशन दे रही है? ये बीपीएल एपीएल क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में घर क्यों दे जा रहे हैं? क्योंकि गांधी जी का जो आइडिया था ना सर्वोदय, सभी का उदय हो, उसी से एक और आइडिया निकला अंत्योदय का। अंत्योदय का मतलब है कि जो तो अच्छी क्लास वाले लोग हैं वो तो अपना भला कर लेंगे, लेकिन आखिरी सीट में बैठा हुआ द लास्ट पर्सन इन द रो वो जो बंदा है उसका विकास होना चाहिए, जिसको गांधी जी ने अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया। आज अंत्योदय के नाम से कौन सी स्कीम नहीं है भारत सरकार की, आप मुझे ये बताएं। 35 किलो चावल, 35 रुपए किलो चावल, राशन, आटा, ये सब जो दिया जा रहा है गरीब परिवार परिवारों को, ये अंत्योदय आइडिया कहां से आया? गांधी जी का आइडिया है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूं कि जब गांधी जी ने इतना कुछ किया, अनटचेबल, जिनको हम बोलते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल ही छूने लायक नहीं है, जो हम छुआछूत करते थे, गांधी जी ने उन लोगों के साथ में जाके खाना खाया। मैं हमेशा आप लोगों को बात, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि जो इज्जत जो डिग्निटी गांधी जी ने सिखाई है हर वर्ग को, वो अभी तक कोई लोग कोई नहीं सिखा पाया है उतना। गांधी जी ने डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया कि भैया अपना काम खुद कीजिए, वो घर के टॉयलेट्स भी खुद साफ करते थे। राष्ट्रपिता कहलाया जाने वाला व्यक्ति, उसमें कुछ तो बात रही होगी। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं, शायद यंग जनरेशन को समझाना मुश्किल है। यंग जनरेशन सोशल मीडिया में कुछ भी पढ़ता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, और अगर आप लोग ही ऐसे बिहेव करेंगे कि गांधी जी की पुण्यतिथि भी नहीं मनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी अपमानजनक बात है ये। आप गांधी जी को एक ही लेंस से देख रहे हैं, और वो कौन सा लेंस है? हमने ऐसा क्या जिंदगी में प्राप्त किया है? हमने कितनी बार जेल गए हैं? हमने अपने देश के लिए अभी तक क्या किया है? टैक्स में हम लोग चोरी करते हैं, रिश्वत हम लोग लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने क्या किया है? वायलेंस हम लोग करते हैं, दंगे हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ऐसा क्या किया है कि हम गांधी जैसी शख्सियत को जज करते हैं? गांधी जी के अलग अलग फेजेस रहे हैं। एक छोटा गांधी था, एक 1905 का गांधी था, एक 1909 का गांधी था, जो साउथ अफ्रीका जाता है, साउथ अफ्रीका में देखता है कि हमारे इंडियंस के साथ कितना बुरा हो रहा है, वहां पे एक नेटल कांग्रेस बनाता है ताकि उनके विकास की बात हो, हिंद स्वराज में लिखता है, ओपनली लिखते हैं वो। अगर इस प्रकार के बुद्धिजीवी न लिखते तो कैसे पता चलता कि भारत में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इंडियंस की क्या हालत हो रही है? कैसे पता चलता है, आप मुझे बताएं। क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास लोग, तो हमें सिर्फ यही काम है कि सुबह रोटी खानी है, शाम को दाल डालनी है, कल क्या होगा, कल पैसे कहां से आएंगे, यही तो कर रही थी आधी जनता। तो अगर किसी इंसान ने कोई एफर्ट डाले हैं, मुझे लगता है एटलीस्ट उस एफर्ट को रिस्पेक्ट कीजिए, और गांधी जी को एक ही तरह के लेंस से देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, पार्टीज कोई भी हो, पार्टी आएंगी जाएंगी, आज बड़े से बड़ा नेता भी होगा जो भारत का होगा, भारत से बाहर होगा, वो गांधी जी को रिस्पेक्ट देना नहीं भूलते। तो अगर आपको लग रहा है, ये जो निचली लाइन है, निचली परत, अगर आपको लग रहा है कि आप गांधी जी को गाली देकर महान बनेंगे, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी, ये गलत चीज है, और मुझे लगता है मैंने इसको ओपनली आज बोला है, क्योंकि मुझे बुरा लगा कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर भी हम ओम शांति न लिख पाए, और गांधी जी को एक सच्चे मन से भी हम लोग याद न कर पाए। ठीक है, तो हर इंसान में अच्छी बुराइयां, गलत चीजें, सब कुछ होता है, बट इतनी बड़ी शख्सियत को हम जज करने वाले कोई नहीं होते। ये मुझे लगा, मुझे लगता है यही गांधी जी के लिए मेरी तरफ से पुण्यतिथि थी। और प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जरा बच के रहें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना है। बच्चों को अपने रोजगार के प्रति सचेत कीजिए और अच्छी वैल्यूज देने की कोशिश कीजिए, बाकी इनमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है जी, नमस्कार।